जय माता दी। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल टेस्ट ऑफ यूपी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेजिटेबल राइस बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी और जायकेदार। इसके लिए मैंने ये दो हरी प्याज ले ली हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया है। इधर मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, ये कटोरी में आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें मैंने 5 मिनट पानी में उबाल लिया था। ये गाजर एक शिमला मिर्च दोनों को छोटा छोटा काट लिया है। ये हरे धनिया की पत्ती, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है। 3-4 चम्मच देसी घी, 3-4 ये लहसुन की कलियाँ, इनको छोटा छोटा काटा है। आधा चम्मच जीरा, 3-4 हरी मिर्ची, इनको छोटा काट लिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, और साथ में हमने ये प्लेन राइस ले लिए हैं। चावल ये बने हुए हैं, अब इनको हम देखना कैसे टेस्टी और जायकेदार बनाते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए, मैंने गैस जला ली है, कढ़ाई रख दी है गैस पे। इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल देते हैं देसी, इसको मेल्ट होने देंगे। ये देखिए घी मेल्ट हो गया है, गैस को हमने सिम कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा डाल दिया है। साथ में जो हमने लहसुन काटा था ये डाल देते हैं, लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये हरी मिर्ची भी इसको चला लेंगे। गैस को हमने मीडियम कर लिया है, और साथ में हम ये लहसुन, देखिए ये भून गया है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। ये शिमला मिर्च डाल देंगे इसमें, और साथ में ये गाजर, और इसमें ये हमने जो नमक लिया था 1 चम्मच ये डाल देते हैं। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें। अब गैस को हमने सिम कर देंगे, सिम करके इनको हल्का सा गला लेंगे, इसलिए इसको ढक देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन फिर भी पानी छूट गया है, क्योंकि नमक डालने से पानी छूट जाता है। देख लेते हैं हम ये इस तरह से। ये देखिए, ये गाजर भी गल गई है, शिमला मिर्च ये भी गल गई है। अब इसमें हम स्वीट कॉर्न लिए थे ये डाल देते हैं, चला देंगे। और ये जो हरी प्याज ली थी वो भी इसमें डाल देते हैं। बहुत ही आसान है, इतने टेस्टी चावल बनते हैं कि आप इन्हें रोज भी बना के खा सकते हैं, लंच में या डिनर में। इसको हमने अच्छे से चला दिया है। इसमें जो मसाले लिए थे वो डाल देते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, ये गरम मसाला, और ये हल्दी, अच्छे से चला देंगे। गैस को हमने सिम किया हुआ है अभी, और सिम पे ही हम इनको थोड़ा सा पका लेंगे, ढक देंगे। हम खोल के देख लेते हैं इनको, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, और सारी सब्जियां भी हमारी अच्छे से गल गई हैं। तो हम इसमें आप ये चावल जो राइस बने हुए थे ये इसमें डाल देते हैं सारे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों में। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं चावल सब्जियों में, और गैस को हमने मीडियम किया हुआ है, और जो घी और 1 चम्मच बचा था वो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें राइस में देसी घी का स्वाद ही बहुत आएगा अच्छा, इसलिए देसी घी थोड़ा ढंग से डालें आप, जो हमने जितना बताया है आपको उतना डालें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे घी भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए, हमारी वेजिटेबल राइस बनके बिल्कुल तैयार हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं,
और ऊपर से ये हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितना अच्छा कलर आया है। 5-10 मिनट में तैयार हो गए ये, तो अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे वेजिटेबल्स राइस बनके बिल्कुल तैयार हैं। कितना अच्छा कलर आया हुआ है सारी सब्जियों के साथ। स्वीट कॉर्न पड़े हुए हैं, आप इसमें ज़्यादा भी मात्रा में स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।